अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 10 और लेक्चर 10 में मैं हाजिर हूँ। इसमें हम सबसे पहले लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे। लेज़र प्रिंटर एक प्रिंटर है जिसको हम उस जगह पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंट आउट चाहिए होती है। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। तो इसके कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं उनकी मैं बात करूंगा पहले। तो लेज़र प्रिंटर की क्योंकि अपनी कुछ मेमोरी होती है और उस मेमोरी के अंदर पेजेस को पहले वो स्टोर करता है और उसके बाद प्रिंट करता है, इस वजह से इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। देन फिर इसमें यूज़ होने वाली इंक की अगर बात करें तो उसको हम टोनर कहते हैं। टोनर असल में एक ड्राइड पाउडर की शक्ल में इंक है जो कि एक कंटेनर के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम टोनर कार्ट्रिज कहते हैं। और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 से लेकर 1200 डॉट्स पर इंच तक होती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और स्पीड जो है, स्पीड लेज़र प्रिंटर की 6 से लेकर 30 पेजेस पर मिनट तक है। और वैसे जो प्रोफेशनल लेवल पे जो प्रिंटर यूज़ किए जा रहे होते हैं, प्रोफेशनल लेवल से मुराद ये भी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उनकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो सकती है, 200 पेजेस पर मिनट तक भी हो सकती है। तो अब इसके जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है, मैं उसके स्टेप वाइज प्रोसीजर की बात करूँगा। तो स्टेप वन में क्या होता है कि जब कोई कंप्यूटर यूज़र कमांड देता है प्रिंटिंग की, तो वो शीट जो है, पेपर शीट, वो दो रूलर्स की मदद से लेज़र प्रिंटर के अंदर इंसर्ट होती है। और स्टेप टू में एक लगा हुआ है इसके अंदर, जिसके ऊपर एक लेंस से निकली हुई लेज़र बीम स्ट्राइक करती है और उससे वो फिर लेज़र बीम स्प्रेड आउट होती हुई एक प्लास्टिक के ड्रम के ऊपर वो लेज़र बीम स्ट्राइक करती है। तो स्टेप थ्री में क्या होता है कि इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है इस प्लास्टिक ड्रम के ऊपर, और साथ साथ इसके ऊपर टोनर गिर रहा होता है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसके अंदर लगा हुआ, वो इस लेज़र बीम को डायरेक्ट कर रहा होता है और यहाँ पे वो इमेज और पैटर्न्स, टेक्स्ट पैटर्न इस ड्रम के ऊपर बन रहे होते हैं। और स्टेप फोर में क्या होता है कि जब ये शीट इसके नीचे से पास होती है, तो वो टोनर जो है वो उस ड्रम से पेपर शीट के ऊपर स्टक अप हो जाता है। और स्टेप फाइव में ये जो शीट है जिसके ऊपर टोनर मौजूद है, वो नेक्स्ट इन दो रूलर्स के अंदर से वो पास होता है। ये दोबारा इसको क्यों इधर से पास कर रहे हैं, ये असल में दोनों बहुत ही ज़्यादा हीटेड रूलर्स हैं और इनकी मदद से फिर क्या होता है कि वो जो टोनर इस शीट के ऊपर मौजूद है वो बर्न होके जल के तो इस शीट के ऊपर मुस्तकिल आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो लेज़र प्रिंटर जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर जो हैं वो लेज़र प्रिंटर बहुत हाई क्वालिटी हैं, हाई कॉस्ट हैं, और इन में ड्यूरिंग प्रिंटिंग कोई नॉइज़ वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो इनकी कॉस्ट की या प्राइस की अगर हम बात करें तो ये इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर हैं। थर्मल प्रिंटर जो हैं वो एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ख़ास किस्म का पेपर होता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है, और उसमें इसके हेड की मदद से जिसकी पिंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है उनको, और उन पिंस की मदद से
थर्मल प्रिंटर की जो इंक होती है जिसको हम वैक्स कहते हैं, वो ट्रांसफ़र होती है शीट के ऊपर या इस पेपर के ऊपर। तो दो तरह के इसमें थर्मल प्रिंटर हैं, एक तो स्टैंडर्ड थर्मल प्रिंटर्स हैं जो इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, उनकी प्रिंट क्वालिटी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो उनको उस जगह हम यूज़ करते हैं कि जिस जगह हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए। तो मिसाल तौर पे फैक्स मशीन के अंदर हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जो सेल्स काउंटर होता है, तो वहाँ पे वो जो मशीन लगी होती है कंप्यूटर की तरह की, जिसके अंदर वो सेल्समैन इंट्री कर रहा होता है सेल्स होने वाले आइटम्स का, तो वहाँ से एक जो बिल प्रिंट होके आता है ना, तो वो छोटा सा प्रिंटर उस डिवाइस के अंदर ही बिल्ट इन होता है, तो वो भी एक थर्मल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रिंटर बनाया गया थी। लेकिन थर्मल प्रिंटर कुछ हाई क्वालिटी थर्मल प्रिंटर भी होते हैं जिनको हम डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स कहते हैं। तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज़ होती है, और ये प्रिंटर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और अच्छी किस्म की प्रिंटेड आउटपुट देते हैं, और इनमें मतलब रिच किस्म के ग्राफिक्स हम हासिल कर सकते हैं। और ये जो प्रिंटर हैं डाई सब्लिमेशन थर्मल प्रिंटर, ये फोटो स्टूडियोज के अंदर यूज़ किए जाते थे पहले, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे इंसानी आँख के रेटिना की पिक्चर या फिंगरप्रिंट्स की पिक्चर हमें अगर चाहिए, तो जिसमें एक एक वेन जो है वो वाजे तौर पर नज़र आ रही है और रेटिना के अंदर, या फिंगरप्रिंट्स की एक एक लाइन हमें क्लियर नज़र आ रही हो, तो इस तरह के प्रिंट आउट्स के अंदर हम डाई सब्लिमेशन प्रिंटर को यूज़ करते हैं। और यहाँ तक था लास्ट इसमें प्रिंटर्स के केस में टॉपिक था, तो यहाँ पे हमारी प्रिंटर्स की कैटेगरी ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम प्लॉटर्स को देखते हैं। प्लॉटर्स की बात अगर हम करें तो प्लॉटर्स जो हैं ये उस जगह पे हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास या तो कोई मैप हमने प्रिंट करने हो, बहुत ही बड़े साइज में जो मैप्स होते हैं बिल्डिंग मैप्स, इसी तरह आर्किटेक्चरल ड्राइंग और कोई हो सकती है, या फिर मैकेनिकल ड्राइंग हो सकती है, या फिर आजकल के दौर में आप कह सकते हैं भी ये जैसे पैनाफ्लेक्स हैं, इन तमाम किस्म के हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर्स बेसिकली दो तरह के प्लॉटर्स हैं, एक हमारे पास प्लॉटर हैं पहले जो टाइप हैं इनकी प्लॉटर्स की, फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स जो हैं वो, ये पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है, ये इस तरह एक टेबल टाइप की सरफेस है, यहाँ पे इसका हेड जो है ये लेफ्ट राइट इस तरह मूव करता है, और ये शीट आगे पास ऑन हो रही होती है। तो इसके हेड की भी टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होती हैं। शुरू शुरू में जो प्लाटर आए थे, फ्लैट प्लाटर जो आए थे, उनमें इस तरह पेंस लगे होते थे, हेड के अंदर एक से ज़्यादा पेंस होते थे कि जिनकी मदद से मुख्तलिफ कलर के प्रिंट होते थे, जिनकी मदद से यहाँ पर प्रिंटिंग की जाती थी। लेकिन लेटेस्ट किस्म के जो प्लॉटर हैं उनमें वो पेन वाली टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, उनमें बल्कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। तो जहाँ कोई बहुत ही बड़े हमने मिसाल तौर पे पेनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट ना करना हो, तो एक फिक्स क्वालिटी के हमने मैथ्स वगैरह या फिर हमने ड्राइंग कोई इस तरह की प्रिंट करनी है, उसके लिए फ्लैट में प्लॉटर हम यूज़ करते हैं। तो अगर पेनाफ्लेक्स हमने प्रिंट करने हो या बहुत ही बड़ा बड़ी फीट्स में है जिसकी लेंथ और विड्थ, तो उसके लिए फिर हम एक और टाइप है हमारे पास जिसको हम ड्रम प्लाटर कहते हैं, तो ड्रम प्लाटर हम यूज़ करते हैं। ड्रम प्लाटर जो हैं
पे बहुत ही हाई क्वालिटी की और बहुत ही बड़े साइज़ की शीट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 6 फीट तक चौड़ाई में शीट्स प्रिंट की जा सकती हैं पैनोफ्लेक्स। इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड टाइप के हमारे पास प्लाटर होते हैं कि जो मिसाल के तौर पे जैसे अब ये अर्थ क्वेक के दौरान उसकी रीडिंग्स वगैरह लेनी हो तो उसके लिए वो पेन प्लाटर हम उन्हें कहते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेज हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेज एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा आपके बुक के अंदर। तो इसमें कॉमन किस्म के ऑडियो आउटपुट डिवाइसेज हैं स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल किस्म के एक दो टॉपिक्स हैं, देन फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज यूनिट की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो है बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट मींस के 0 और 1। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और डिजिटल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम जीरोस और वन को यूज़ करते हैं। तो यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो जीरोस एंड वन्स के कम्बिनेशन के तौर पे स्टोर होगा, और छोटे से छोटा जो यूनिट होगा वो बिट होगा, और वो या 0 या हो सकता है या 1 हो सकता है। अब नेक्स्ट इससे अगला जो यूनिट है वो बाइट है। बाइट हम सिंपली एक तो हम ये कह सकते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि 1 बाइट कैरेक्टर। कैरेक्टर मींस के 1 अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। बाइट यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं एक बाइट को कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर मींस के एक अल्फाबेट डिजिट या एक स्पेशल कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए जितनी जगह चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, 1 बाइट। तो एक बिट, एक बाइट जब कन्वर्ट हो के कंप्यूटर की रैम के अंदर स्टोर होता है तो उसके 8 बिट बनते हैं। अब बाइट के कुछ हायर यूनिट्स भी हैं, एक किलोबाइट, जिसको हम KB से एब्रीवेट करते हैं। तो इसमें कितने बाइट होते हैं, 1024। इसी तरह इससे अगला जो यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास है मेगाबाइट। तो मेगा और मिलियन तकरीबन एक ही चीज़ है, तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। तो मेगा जो कंप्यूटर में मेगा की बात करते हैं तो मेगा भी रफली 10 लाख के अराउंड ही होता है। रफली मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि कंप्यूटर का किलो भी बड़ा है, तो इस वजह से 1 मेगा जो है उसको हम कह सकते हैं कि 10,48,000 576 बाइट्स
या फिर 1024 KB। एक मेगाबाइट में आप कह सकते हैं कि अगर बाइट्स में आपने बताना हो तो आप कह सकते हैं कि 10,48,576 बाइट्स होते हैं, या फिर अगर आप इसको में भी बता सकते हैं कि 1 मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं। इसी तरह इससे जो हायर यूनिट है, अब जैसे गीगाबाइट, तो मेगा के बाद जो यूनिट आता है वो गीगाबाइट है, और गीगाबाइट इक्वल टू इसको आप कह सकते हैं कि 1024 मेगाबाइट। यानी 1024 को अगर इस फिगर से मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत ही बड़ी एक फिगर जो हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड 1 गीगाबाइट। और वो इसको रफली आप यूं भी कह सकते हैं भाई, 1 गीगा जो है वो 1 बिलियन के इक्वल होता है जी, और 1 बिलियन बाइट्स। नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास टेराबाइट है। तो टेराबाइट सेम रूल है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट और जीबी। तो ऐसे हायर यूनिट्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमनली जो यूनिट्स यूज होते हैं वो ये वाले यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो इसके बाद एक अच्छा, इसको एक चीज़ आपने ये याद रखनी है भाई, ये जो यूनिट्स हैं ये बड़े अहम हैं। अहम इस वजह से हैं भाई, ये मुख्तलिफ जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पर चाहे कंप्यूटर की रैम की बात हो रही हो, चाहे सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क वगैरह या मेमोरी कार्ड या USB वगैरह की बात हो रही हो, तो हर जगह पे हम इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इन यूनिट्स को याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास एक टर्म आ रही है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड असल में आप कह सकते हैं भाई, किसी भी कंप्यूटर की एफिशिएंसी को मेजर करने का एक यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स ए कंप्यूटर कैन रीड एट ए टाइम इज कॉल्ड इट्स वर्ड। तो जितने नंबर ऑफ बिट्स एक वक्त में कंप्यूटर को रीड कर सकता है तो इसको उसका वर्ड कहते हैं, ये वर्ड लेंथ कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक कंप्यूटर, इसको इस तरह समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक कंप्यूटर का जो वर्ड है अगर एक कंप्यूटर की वर्ड की लेंथ 8 बिट्स है, तो अगर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लेटर्स हम टाइप कर रहे हैं, तो वो एक लेटर के लिए 8 बिट्स उसको वो रीड करेगा और उस सेंड कर सकेगा आगे। तो मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर वर्ड की लेंथ 8 बिट्स है, तो वो फिर 1 बाइट को एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है,
और दूसरे बाइट को ट्रांसफर करने के लिए उसे फिर नेक्स्ट साइकिल में ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जो है वो 16 बिट्स है, तो वो एट ए टाइम दो बाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी तरह वर्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतनी उस कंप्यूटर की एफिशिएंसी बेहतर होगी। तो फिर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है डबल वर्ड्स की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। सिंगल वर्ड आमतौर पर 32 बिट को कहते हैं, 32 बिट्स के कम्बिनेशन को कहते हैं। तो यानी इसमें कितने बाइट्स फिर बन जाएंगे, इसमें 4 बाइट्स बन जाएंगे। और इसी तरह डबल वर्ड जो है वो 64 बिट्स है, मीन्स के 8 बाइट्स। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर कुछ पहले एक टर्म है निबल, उसकी बात हुई थी। तो निबल जो है वो एक्चुअली हाफ बाइट को हम निबल कहते हैं। निबल मीन्स के हाफ बाइट या फिर 4 बिट्स का कम्बिनेशन। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसटीएलसी की बात करेंगे।